उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ पुलिस को आगामी समय में प्रधानी चुनाव के लिए अवैध रूप से हरियाणा से बुलंदशहर के गोलवाठी की तरफ से ले जा रहे 200 पेटी नकली मार्का मिस इंडिया की बरामद करने पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के सलारपुर चौराहे पर रात्रि में पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश निर्देश पर पुलिस चेकिंग में जुटी थी, तभी पुलिस ने एक ट्रक संख्या UP 93T 2087 को रोका और ट्रक में अवैध रूप से ले जाई जा रही नकली मार्का मिस इंडिया की 200 पेटी जिसकी कीमत करीब 60,000 रुपए बताई जा रही है उसको बरामद कर ली है तथा पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेते हुए ट्रक से अशोक व रामवीर निवासी हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया। अपर पुलिस अधीक्षक सर्वेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के आदेश निर्देश पर चेकिंग करते हुए बहादुरगढ़ पुलिस ने 200 पेटी अवैध शराब की जो आगामी ग्राम प्रधानी के चुनाव के लिए ले जाई जा रही थी बरामद करने में बड़ी सफलता पाई। गिरफ्तार आरोपियों को जहां सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजा जा रहा है तो वहीं बिक्री से लेकर खरीदारी करने वाले लोगों के संबंध में भी जांच की जा रही है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोग नकली मार्का मिस इंडिया की शराब हरियाणा से लाकर यहां पर नकली रैपर लगाते हुए बेच देते हैं और ये शराब हरियाणा से उन्हें मात्र 30 रुपए के प्रति पौवे के हिसाब से मिल जाती है जिसे वह 74 रुपए प्रति पौवे के हिसाब से बेच कर मोटा मुनाफा कमाने में लगे हैं। नीरज कुमार और उनकी टीम द्वारा भारी मात्रा में शराब की बरामदगी की गई है तथा दो अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। एक अभियुक्त का नाम है अशोक, दूसरे का है रामवीर। कुल 200 पेटी शराब की बरामदगी हुई है। इसमें जो खास बात यह है कि ये हरियाणा से शराब खरीदते थे रोमियो ब्रांड के, जो वहां पर 30 रुपए पौवा मिलती थी और यहां पर दूसरे जो यूपी में ब्रांड बिकता है मिस इंडिया, उस नाम से उसको बिक्री करते थे और बार कोड भी चेंज कर देते थे। यहां पर वो करीब 74 रुपए पौवा बिकती थी। कुल करीब 6 लाख रुपए की शराब इन लोगों ने पकड़ा है। इसके स्रोत के बारे में भी जानकारी कराई जा रही है और ये जो सप्लायर लोग हैं किस किस को यहाँ पर सप्लाई कर रहे थे उन्हें भी देखा जा रहा है। इस मामले में आप अवगत ही हैं कि एसपी महोदय द्वारा पंचायत का चुनाव दृष्टिगत रखते हुए सभी थानों को निर्देशित किया गया है और उसी क्रम में चेकिंग के दौरान ये गाड़ी पकड़ी गई है और भारी मात्रा में बरामदगी की गई है। हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट।